स्तन कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, हम उन सभी तरीके के कैंसर्स की ओपीडी अब हर महीने दूसरे रविवार को करेंगे, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप मुंह कैंसर से संबंधित हैं, मेरा डेंटल हॉस्पिटल है तो उसी के लिए आप आए। आप कहीं का भी कैंसर हो, किसी भी तरीके की गांठ हो जो बहुत दिनों से बनी हो, कभी ना जा रही हो, उसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल पे हर महीने के दूसरे रविवार को आप निःशुल्क ओपीडी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर सुमन सर बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता हूँ, मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग आए। जैसे कि आज हम अक्टूबर के माह में बैठे हुए हैं, अक्टूबर वैसे भी कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, इसे पिंक मंथ बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बोलते हैं। तो जैसे सर ने बोला, कैंसर केवल एक जगह का कैंसर नहीं होता है, कैंसर एक तरह से देखा जाए तो कैंसर 200 बीमारियों का एक समूह है। तो कैंसर को एक नाम दिया गया है, 200 बीमारियों को नाम दिया गया है। कैंसर में सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट की गांठ है, लंग की गांठ, मुंह की गांठ, सर्विक्स की गांठ, पेटों की गांठ। इसी तरह कैंसर में सार्कोमास होते हैं, जो हड्डियों के कैंसर्स होते हैं। और तीसरा चीज होती है लिम्फोमा ल्यूकीमिया, यानी ब्लड के खून के कैंसर्स और लिम्फ नोड्स के कैंसर्स। तो ये सारी चीजें मिला के कैंसर्स में आती हैं, जिन्हें कर्क रोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये 200 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पे आके जौनपुर में हर दूसरी रविवार को आके सब तरह के कैंसर मरीजों को देख पाए, उनका इलाज निर्धारित कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। तो आज ये दूसरी ओपीडी थी, पिछली बार डॉक्टर शिवम आए थे, इस बार मैं आया हूँ, और ये हर बार रेगुलरली चलती रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको जितना ज्यादातर जनसाधारण तक पहुंचा पाए और जितने लोगों को अवेयर कर पाए कि लोग इस सुविधा को ले पाए, वो अच्छा रहेगा। जिस टाइम हम लोग नहीं भी हैं, कोई भी मरीज अगर आता है वो डॉक्टर सौरभ को आके अपनी रिपोर्ट्स दे सकता है, सर वो रुपये समय तक पास ऑन कर सकते हैं। हम डिजिटली भी बीच में कोशिश करेंगे कि एक महीने का गैप ना हो, हम उस दौरान भी डिजिटल ओपीडीज के द्वारा डे बाय डे भी पेशेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे महीने का गैप भी ना हो। कैंसर बहुत यंग में है, जैसे बाकी सब जगह 15-20 साल का सेवन होता है, जो कुबेर और बाकी खैनी खाते हैं, मगर दोहरा के मतलब काफी अच्छा हिसाब है कि मतलब आज भी जो मैंने 3 या 4 पेशेंट जो एकदम देखे 32-33 साल के लड़के, और उनमें बहुत मोटी मोटी गांठ है। मतलब यूजुअली जो ओरल कैंसर चबाने वाले तंबाकू के कैंसर होते हैं 55-57 साल की उम्र के बाद आते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना 25-30 साल तंबाकू खाने के बाद। मगर ये जो दोहरा है ये 10 या 12 साल में ला रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। तो ये सर एक फर्क देखा मैंने, जैसे को इंग्लिश में सैड बोलते हैं ना, तो स्मोक यानी तंबाकू, चाहे चबाने वाला या खाने वाला, अल्कोहल और खराब डाइट, 90% कैंसर इन 3 कारणों से होता है। तो अगर हम तंबाकू का उपयोग रोक दें तो शायद 55-60% कैंसर इस दुनिया में खत्म हो जाए। तो किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग का तंबाकू हो या चबाने वाला हो या गुल हो, इन तीनों तंबाकू, हमारा मुंह नहीं खुल रहा, सफेद पैच हो रहा है, लाल पैच हो रहा है, और उसके बाद बोले कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये शायद केवल हमारे एक मन की शांति है जिससे हम बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा। मगर ये चाहे जौनपुर हो या कोई भी जगह हो, वहां के सब युवक को युवतियों को समझना पड़ेगा कि तंबाकू का सेवन हमें छोड़ना है और हर हाल में छोड़ना है। जो भी देखा मैंने यहाँ पे, जो एक अलग चीज मैंने देखी बाकी सब जगहों के बारे में, जो दुनिया में और जगह के है, चबाने वाले कैंसर जो बाकी और खैनी और गुटके से होते हैं, उसमें 20-25 साल लगते हैं। मगर जो आज देखा है कि यहाँ पे जो भी चीजें यूज हो रही हैं, उसमें बड़े यंगस्टर्स को कैंसर हो रहा है, 30-30, 32-32 साल के लोगों को ओरल कैंसर की गाथ हो रही है। तो शायद यही एक चीज है कि ये बहुत ज्यादा घातक है। जैसे फेफड़ों के ट्यूमर, फेफड़ों की गांठ है, ब्रेस्ट की गांठ, बच्चेदाने की गांठ, ये सारे जो है इन्हें सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं। इसी तरह खून के कैंसर होते हैं, लिम्फ नोड्स के कैंसर होते हैं, और हड्डियों के कैंसर होते हैं, जिन्हें सार्कोमा बोलते हैं। तो ये सारी जो 200-250 तरह की बीमारी होती है, इन सबको मिलजुल के जो है हम कैंसर का रूप देते हैं, कैंसर बीमारी बोलते हैं। कैंसर में एक और चीज होती है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत घातक होते हैं, और मगर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका इलाज ना भी करें तो वो जिंदगी भर आपके शरीर में पड़े रहेंगे, मगर कुछ नहीं कहेंगे। तो कैंसर को एक हल से नहीं जोड़ सकते, हर कैंसर में आप ये नहीं बोल सकते मरीज का अंत आ गया है। तो कृपया करके अगर किसी को, आपके जानने वाले को, किसी नियर एंड डियर को अगर कैंसर की डायग्नोसिस,
तो उसको हमेशा डॉक्टर को दिखाएं, उसकी पूरी डायग्नोसिस बनवाएं और उसके बाद ही ये सोचें कि उसका क्या होना है। हमेशा ये नहीं होना चाहिए अरे इसको कैंसर हो गया इसको छोड़ दो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये एक गलत सौरभ ने बोला कि जितनी भी कंसल्टेशंस हो रही हैं उन पे एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहा जा रहा है। अभी जो ओपीडीज हो रही हैं वो निःशुल्क हो रही है और जो भी पेशेंट्स यहाँ से जाएंगे खासतौर से डॉक्टर सौरभ के सेंटर्स से जो पेशेंट्स अभी जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जिनको भी यहाँ से भेज रहे हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन्स दिए जा रहे हैं। तो जौनपुर के पेशेंट्स के लिए हमारी ये बिल्कुल वो रहेगी कि जौनपुर के पेशेंट्स की एक विशेष मदद की जाए और खासतौर से यहाँ के हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएं और उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाएं। यूट्रस कैंसर के बारे में कुछ है सर? यूट्रस कैंसर भी इंडिया में देखा जाए सर्वाइकल और यूट्रस मतलब जो फीमेल कैंसर्स हैं ये मतलब सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट के बाद। अच्छा मुख्य कैंसर जो है मुख्य के जो कैंसर है उसका स्टार्टिंग में क्या उसके लक्षण है? सफेद मतलब सबसे ज्यादा नॉन हीलिंग अल्सर की तरह आता है मतलब एक छाला जो नॉर्मल इलाज के बाद एंटीबायोटिक के इलाज ट्यूब के इलाज गार्गल के इलाज के बाद 15-20-30 दिन बाद भी जो हील नहीं हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। अगर कोई भी शरीर में एक ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा चांस है कि वो कैंसर का छाला हो। 70 बिल्कुल साहब मुंह के कैंसर में खैनी और इनके अलावा अगर आपके कोई जैसे बूढ़ी हाई एजेस में डेंचर लगा हुआ है अगर डेंचर ठीक से फिट नहीं हुआ है कोई दांत है जो लगातार इसको होठ को और इसको मसल्स को हिला रहा है उसको हर्ट पहुंचा रहा है तो इल फिटिंग डेंचर्स लूज जैक टूथ ये सारे भी कारण होते हैं कैंसर के। और 10-15% कैंसर्स मुंह के खासतौर से ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं मिलता है। डॉक्टर सौरभ ने डॉक्टर सुमन ने आप लोगों को बताया कि आज हमने दूसरी बार ओपीडी करी है जो कि बिल्कुल निशुल्क रखी गई थी तो ये हर महीने के दूसरे संडे को रखी जाएगी जिसमें डॉक्टर सुमन आएंगे डॉक्टर शिवम आएंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। अगर नहीं भी होता तो आप लोग डॉक्टर सौरभ के पास आकर के दिखा सकते हैं इनसे इनको पूरी जानकारी दे सकते हैं हमारे तक पहुंच जाएगी ये और डॉक्टर सुमंत और डॉक्टर शिवम से हम लोग डिस्कस करके फिर उस पेशेंट को या तो अगर डिजिटली कर सकते हैं वहां से या फोन पे बात करके जिस तरीके से भी देख सकते हैं पेशेंट को हम लोग देखेंगे वहां पे। तो यही है कि हर अब जैसे कि दिसंबर में फिर ओपीडी सेकंड संडे को रखी गई है तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोगों तक आप हमारी बातें पहुंचा सकें और जितने लोग आके उस निःशुल्क ओपीडी का फायदा उठा सकें वो आएं और अपना इलाज कराएं।